नालागढ़ के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्र के परगना मलोन की ग्राम पंचायत ब्यूंखरी के अंतर्गत राजकीय उच्च विद्यालय की बिल्डिंग की हालत आजकल इतनी खस्ता है कि वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में तकरीबन 97 बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं, परंतु सारा दिन डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। 2018-19 में उपायुक्त महोदय द्वारा स्कूल की बिल्डिंग को गिराने के आदेश भी जारी किए गए थे, परंतु अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार का फंड स्कूल को मिला है। स्कूल की हालत ऐसी हो चुकी है कि कभी भी उसकी छत गिर सकती है, परंतु प्रशासन पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहां के मुख्य अध्यापक के अनुसार स्कूल की एस्टीमेट फाइल उपायुक्त महोदयों को भेजी जा चुकी है, परंतु इन 2 वर्षों में अभी तक किसी प्रकार का फंड स्कूल में नहीं आया है। स्कूल द्वारा सारी कागजी कार्रवाई की जा चुकी है। उनका कहना है कि यहां आसपास स्कूल के लिए कोई दूसरी बिल्डिंग न होने की वजह से इसी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाने को वह मजबूर है। एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने इस बारे में मुख्य अध्यापक और पंचायत प्रधान को दूसरी बिल्डिंग देकर बच्चों को वहां पर स्थानांतरित करने को कहा है तथा जल्द ही फंड मुहैया करवाकर स्कूल का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। हमारे स्कूल में इसमें समस्या है जी, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है टूट पड़ी है सारी, और बच्चे के ऊपर वो सीमेंट और बजरी ऊपर से गिरती है बच्चे के ऊपर, और बच्चे नीचे बैठे होते हैं। जब बारिश लगती है तो बच्चे के ऊपर जो पानी बारिश से ऊपर से गिरता है सारा बच्चे के ऊपर गिरता है, और बच्चों का सामान भी कापी भी सब भीग जाती है, और कोई हमारी पुकार के सरकार नहीं सुनती है। और सरकार से हमका ये क्या बेनती है कि जो कि हमारे बच्चों के लिए बिल्डिंगें भी तैयार होनी चाहिए, हमारी जो भी समस्या हल होनी चाहिए। संदीप कुमार जी, नॉन मेडिकल है। हाँ जी, अभी यहाँ तो मुख्याध्यापक की पोस्ट खाली चल रही है, तो उसका कार्यभार मैं ही देख रहा हूँ। बिल्डिंग की हाल तो बहुत नाजुक है जी, ये कभी भी गिर सकती है, तो इसके लिए जो मेरे से पहले के मुख्याध्यापक थे उन्होंने इस बिल्डिंग का डिसमेंटल के लिए केस भेजा था और नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी केस डिपार्टमेंट के थ्रू सबमिट किया था, जो अभी दो तीन चार दिन पहले वापस आया है। उसको दोबारा उन्होंने एस्टिमेट और अन्य फॉर्मेलिटी के साथ दोबारा मांगा हुआ है, जिसको 5-7 दिन में दोबारा डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा। कमरे तो छः कमरे हैं लगभग, उसमें तकरीबन सभी डिसमेंटल के लिए ही हैं, और एसडीएम साहब आए थे यहाँ, उन्होंने जो मैंने कागजों में इधर देखा वो सारी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया और डिसमेंटल के लिए केस डीसी ऑफिस सोलन भेज दिया। इससे ऊपर से बिल्डिंग के कभी भी ऊपर से सीमेंट के पीस छूट कर गिरते रहते हैं, तो हादसा होने का तो हमेशा डर रहता है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई भी सरकारी या निजी भवन नहीं है जिसमें कि हम इन बच्चों को शिफ्ट करके वहाँ बैठा सकें। जिम्मेवार तो अब वो प्रशासन ही है, अब हमने तो अपनी तरफ से आगे डिपार्टमेंट को लिख के दे दिया है, अब दोबारा एस्टिमेट हमसे मांगा है तो इसका सबमिट करवाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हंसराज, आपको हमारा जो स्कूल है ब्यूंखर स्कूल है उसकी खस्ता हालत है बहुत, और बच्चे अंदर बैठते हैं और ऊपर से लेंटरें गिर रहा है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। और हमने प्रशासन को भी कई बार बोला, कई बार उनको अवगत कराया, पर अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी है और ना तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है और ना तो कोई और यहाँ पे सुविधा है कि जहाँ बच्चों को शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि यहाँ कमरे ही इतने हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस काम को जल्दी जल्दी करें, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसा एक मामला मीडिया की तरफ से हमारे ध्यान में लाया गया है कि बिल्डिंग को अनसेफ करने का ऑर्डर हो चुका है 2017 में, उसके बावजूद भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। इस संबंध में कुछ वीडियो भी हमें दिखाए गए हैं, तो इस संबंध में हमने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को भी पत्र लिखा है और साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य को भी उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही हमने ग्राम पंचायत के जेई और प्रधान को भी रिक्वेस्ट की है कि वो 1-2-3 कमरों का एस्टिमेट बनाकर जल्दी ही डीसी महोदय को सबमिट करें, ताकि इस संबंध में उचित मद से उन्हें फंड की जो है सहायता प्रदान की जा सके। इसको लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हमने प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की कि बच्चों की सेफ्टी से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना किया। हमने प्रधान और ग्राम पंचायत की जो सेक्रेटरी हैं उनसे एक ऐसा कोई पास वाला स्थान आइडेंटिफाई करने को कहा है, ताकि बच्चों की सेफ्टी के साथ कोई समझौता ना। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।